हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू इवेलुएट इट. क्वेश्चन इज I टू द पावर 18 प्लस 1 बाई I टू द होल पावर 25 टू द होल पावर 3. दैट्स क्वेश्चन. I टू द पावर 18 प्लस 1 बाई I टू द पावर 25 टू द होल पावर 3. टू सॉल्व इट, फर्स्टली सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट. क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. I टू द पावर 18 प्लस 1 टू द पावर 25, 1 हो जाएगा. I टू द पावर 25 टू द होल पावर 3. I टू द पावर 25 को हम क्या राइट कर सकते हैं, I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. I टू द पावर 18 प्लस 1 बाई I टू द पावर 25, I से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए. I टू द पावर 18 प्लस I बाई I टू द पावर 26 हो जाएगा. 25 और 1 ऐड हो जाएगा, 26 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n पावर ऐड होता है. यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 25 है, इसलिए कितना हो गया, 26 हो गया. अब इसे कैसे राइट कर सकते हैं, I स्क्वायर का 29 जा 18 प्लस I, ये कितना हो जाएगा, I स्क्वायर 13 टू जा 26, इतना हो जाएगा. देखिए अब I स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, I स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 होता है. तो I स्क्वायर पे हम माइनस 1 राइट करेंगे, I स्क्वायर के स्पेस पे माइनस 1 टू द होल पावर 9 प्लस I बाई I स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 1, माइनस 1 टू द होल पावर 13. अब अगर किसी भी निगेटिव नंबर पर ऑड पावर है तो ऑड पावर होने का मतलब क्या है कि उसका रिजल्ट निगेटिव में ही आएगा. दैट्स इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर 9, दैट्स माइनस 1 एंड प्लस I, I टू द पावर माइनस 1 टू द पावर 13, दैट्स माइनस 1. अब ये होल पावर 3 भी सर्कुलेट करेगा, दैट्स माइनस 1 एंड प्लस माइनस माइनस I टू द होल पावर 3. माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा. इसको हम क्या कर सकते हैं, ये किसके इक्वल होता है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस वन पे पावर 3 और ए माइनस बी का होल, ए प्लस बी का होल क्यूब. तो माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा. तो माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आई का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी. अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब 1 होगा, i का क्यूब क्या हो जाएगा, i इंटू आई स्क्वायर प्लस 3i ब्रैकेट में 1 प्लस i, 1 प्लस i, i स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 प्लस 3i का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3i प्लस 3i स्क्वायर. अब इसे ऑपरेट करते हैं, इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस i एंड 3i प्लस 3, i स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1. अब इसे आगे ऑपरेट करते हैं, इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 माइनस आई प्लस 3i, 3 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3. अब नंबर को एक साथ राइट करेंगे, बाहर क्या है, माइनस है,
नंबर को एक साथ राइट करेंगे 1 माइनस 3, और आई को एक साथ राइट करेंगे 3i माइनस i, 1 माइनस 3 डेट्स -2, 3i माइनस i डेट्स +2i, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं माइनस माइनस प्लस 2 एंड माइनस प्लस -2i डेट्स योर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।